बाद चुनावी हलचल की, जिसमें जानेंगे कि सियासी दिग्गज आज कहां कहां पर होंगे और कहां पर प्रचार करेंगे। पीएम मोदी का आज धुआंधार प्रचार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में दो दो जनसभाएं होंगी। सुबह 10 बजे ओडिशा के बेरहामपुर, 12:30 बजे नवरंगपुर और 3:30 बजे आंध्र प्रदेश में जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा है। सुबह 11 बजे बंगाल के कृष्णानगर में रोड शो करेंगे, दुर्गापुर में भी चुनावी सभा, बिहार के उजियारपुर में होगी रैली। मिशन तेलंगाना पर रहेंगे जेपी नड्डा, 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे पद्दापल्ली में चुनावी रैली होगी, दोपहर 1:30 बजे भुवनगिरी में प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एमपी में हुंकार भरेंगे, दोपहर 12 बजे रतलाम और 2 बजे खरगोन में जनसभा है, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। प्रियंका गांधी आज से 18 मई तक रायबरेली और अमेठी में करेंगी कैंपेन, दोनों हॉट सीट पर झोंकेंगी अपनी ताकत। यूपी कांग्रेस के 20 बड़े नेता प्रियंका की मदद करेंगे। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, दबंगों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, गाड़ियों के अंदर बैठे कई लोग घायल हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करने वाले हैं, दोपहर 12 बजे उन्नाव, 2 बजे हरदोई और 3 बजे शाहजहांपुर में करेंगे प्रचार। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी आज से 2 दिन के लिए महाराष्ट्र में चुनावी सभा करेंगे, 7 बजे औरंगाबाद में प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज कन्नौज में जनसंवाद करने वाले हैं, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, कन्नौज सीट से अखिलेश यादव खुद लड़ रहे चुनाव। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, 6ठे फेज में 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन दाखिल करने से पहले रैली होगी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से उनकी टक्कर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 2 रैलियां करने वाले हैं, पंजाब के संगरूर और मानसा लोकसभा सीट पर आप प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। और 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं मिशन 2024 से जुड़ी खबरों की, जिसे फतह करने में सियासी दलों ने पूरा जोर लगा रखा है। राम की नगरी अयोध्या में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ, फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए वोट की अपील की, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मेगा रोड शो में शामिल है। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, खुली जीप में हाथ हिलाकर पीएम मोदी ने सड़क किनारे खड़ी जनता का अभिवादन किया, रोड शो में कार्यकर्ताओं में दिखा भारी जोश। अयोध्या में सबसे पहले भगवान राम के शरण में पहुंचे पीएम मोदी, रामलला में राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए, लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया। अयोध्या में पीएम मोदी से पहले सीएम योगी पहुंचे रामलला के दरबार, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया, बोले 2014 से पहले देश की सुरक्षा से होता था खिलवाड़, कांग्रेस आतंकियों के मुकदमे लेती थी वापस। अमित शाह बोले इस चुनाव में एक ओर 12 लाख करोड़ का घपला करने वाली कांग्रेस है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना लगने वाले नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने दक्षिण दिल्ली में इंडिया गठबंधन के समर्थन में रोड शो किया, बोली अरविंद केजरीवाल शेर हैं, उन्हें कोई झुका नहीं सकता। बारामती में सुप्रिया सुले की चुनावी रैली के दौरान रोहित पवार भावुक हो गए, कहा जब पार्टी में विघटन हुआ तब शरद पवार ने कहा था कि मैं नई पीढ़ी तैयार करूंगा, उसके बाद ही आंख बंद करूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कंधे पर हाथ रखने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़, हावेरी में चुनाव प्रचार के दौरान की घटना। कल्कि धाम से जारी हुआ धर्म आदेश, पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीटिंग कर साधु संतों से मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए बीजेपी के लिए वोट की अपील की। कांग्रेस से निकाले गए आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर हमला, बोले जो दूसरों को कहता था कि डरो मत, वो खुद डरकर अमेठी पहुंचा।
चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका। प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बोली, रामलला के दर्शन के चलते मेरा पार्टी में विरोध होना पीड़ादायक है। इटावा में बोले सीएम योगी, पहले इटावा के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, यही है नए भारत का निर्माण। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा, 10 मई या 11 मई को पर्चा दाखिल करूंगा। तेलंगाना के आदिलाबाद में राहुल ने पीएम मोदी पर हमला किया। कहा, पीएम मोदी आरक्षण के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार बनी तो आरक्षण से 50% की लिमिट करेंगे खत्म। आदिलाबाद में कांग्रेस और एआईएमआईएम पर बरसे अमित शाह, राज्य में 10 सीट जीतने का दावा किया। बोला, तुष्टीकरण एबीसी यानी कि ओवैसी, बीआरएस और कांग्रेस को नहीं बचा सकती। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र। बोले, कांग्रेस का मैनिफेस्टो सिर्फ दिखावा है, बीजेपी जो कहती है उससे ज्यादा करके दिखाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।